जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लूटल नर्व्स। तो ग्लूटल नर्व्स जो हैं वो हमारे पास बहुत आसान है इनको समझना, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्लूटल नर्व्स जो हैं इनके अंदर जो मेन चीज़ जो समझने की वो है कि स्ट्रक्चर पासिंग अबव द पायरीफॉर्मस एंड स्ट्रक्चर पासिंग बिलो द पायरीफॉर्मस। सो जो मैंने आप लोग को जो तस्वीर भेजी है 3D वाली, उसमें आप लोग सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो पायरीफॉर्मस है, कोई भी चीज़ जो कि पेल्विक रीजन में, जैसे हमारे पास कोई भी आर्टरीज आ रही है पेल्विक रीजन से, उसको अगर हमारे पास ग्लूटल रीजन में आना है तो उसको ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी जो है, हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो पहले हमारे पास अपर पार्ट ऑफ है ना ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से है ना आती हैं पेल्विक रीजन से ग्लूटल रीजन की तरफ। जैसे वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से अंदर आती हैं, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि अब वो कहाँ जाएंगे। अब वो हमारे पास इनके नीचे जो होता है वो होता है पायरीफॉर्मस मसल। यहाँ इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो कि ये हमारे पास होता है पायरीफॉर्मस मसल। इस मसल के ऊपर ये जो है ना अभी हमारे पास क्रॉस करके इस मसल के ऊपर से चली जाती हैं टुवर्ड्स द है ना हमारे पास ये सुपीरियर ग्लूटल नर्व है, ये सप्लाई करेगी हमारे पास ग्लूटस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लेटा को, ये हमारे पास ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूटल आर्टरी आती है इसी के साथ साथ, वो भी ऊपर चली जाती है। और एक चीज़ याद रखना कि सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी जो है वो खुद फिर दोबारा ऊपर जाके, जैसे ही वो हमारे पास ग्लूटल ग्लूटस मीडियस के पास पहुँचती है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास इसकी होती है सुपीरियर ब्रांच और एक होती है इसकी डीप ब्रांच। सुपरफिशियल नहीं, यहाँ पर सुपीरियर ब्रांच और एक होती है डीप ब्रांच। सुपीरियर ब्रांच जो कि थोड़ी ऊपर की तरफ होती है ग्लूटस मीडियस को सराउंड है ना ब्रांच वो देती है अपनी आर्टरी, और एक होती है डीप ब्रांच जो कि ग्लूटस मीडियस के नीचे होती है और अबव ग्लूटस मिनिमस होती है, क्योंकि ग्लूटस मीडियस के नीचे होता है हमारे पास ग्लूटस मिनिमस, तो ग्लूटस मिनिमस के ऊपर की तरफ होती है लेकिन ग्लूटस मीडियस के नीचे की तरफ होती है जो इसकी डीप ब्रांच है ग्लूटल आर्टरी की। अब वो फिर जो डीप ब्रांच है वो सप्लाई करती है टेंसर फेशिया लेटा को और ग्लूटस मिनिमस को। तो ये ग्लूटल आर्टरी ग्लूटल नर्व की चीज़ थी। इसी तरीके से अब हमारे पास बाकी जो भी स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास पेल्विक रीजन से आ तो रहे हैं ग्लूटल रीजन में, लेकिन अब वो सब के सब हमारे पास क्या हैं बिलो द है ना पायरीफॉर्मस है, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से आने के बाद वो उनको जैसे आगे की तरफ आएंगे फॉरवर्ड आएंगे और फिर वो ग्लूटल रीजन की तरफ आ रहे होंगे, तो उनको है ना बीनीथ द पायरीफॉर्मस जाना पड़ेगा। इनको कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप द पायरीफॉर्मस। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पायरीफॉर्मस के नीचे से अभी सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर जो होता है, अब इसमें मीडियल और लेटरल कैसे पता पड़े, क्योंकि ये पॉस्टीरियर कंपार्टमेंट है तो हम फिमोरल हेड को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा हमारे पास जो है वो पेरिनियम की तरफ जो पेरिनियम रीजन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट मीडियल टू और मोस्ट नियरर टू पेरिनियम रीजन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मीडियल जो होता है वो होता है हमारे पास वो पुडेंडल नर्व्स। पुडेंडल नर्व्स याद रखना कि हमारे पास अब ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से आ तो गई, अब ये क्या करेंगी, ये हमारे पास पास होंगी दोबारा, इनको है ना पेल्विक रीजन में जाना होता है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे एक है ना स्टिल स्पाइन को क्रॉस करेंगी और दोबारा अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब ये दोबारा अंदर की तरफ जाएंगी और फिर है ना हमारे पास पुडेंडल नर्व्स जो हैं, पुडेंडल नर्व्स और आर्टरीज हमारे पास पेरिनियम रीजन को सराउंड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है इसके बाद जो एक और स्ट्रक्चर जो कि दोबारा हमारे पास है ना पेल्विक रीजन के अंदर जाता है वो है वो नर्व टू ऑब्टोरेटर इंटरनस, क्योंकि ऑब्टोरेटर इंटरनस हमारे पास पेल्विक रीजन से आता है, तो ये हमारे पास जो इसके लिए जो नर्व होगी वो भी दोबारा पेल्विक रीजन के अंदर जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो है ना पहले पेल्विक रीजन पेल्विक रीजन से ग्लूटल रीजन में आते हैं और फिर दोबारा ग्लूटल रीजन से पेल्विक रीजन में किस तरीके से जाते हैं, वो मैं वीडियो में बताऊंगा दोबारा। ठीक है, बस आपको भी ये कॉन्सेप्ट रखना है कि हमारे पास पुडेंडल नर्व्स और हमारे पास नर्व टू ऑब्टोरेटर इंटरनस जो है वो हमारे पास पेल्विक रीजन से ग्लूटल रीजन में आती है और फिर दोबारा ये है ना स्टिल स्पाइन को क्रॉस करके दोबारा पेरिनियम रीजन में या पेल्विक रीजन की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं मीडियल के बाद हमारे पास इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास आती है इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटल नर्व्स और इन्फीरियर ग्लूटल वेन। ठीक है, अब ये हमारे पास जैसे आती है इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी, तो ये हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटल नर्व ये हमारे पास अब अबव द पायरीफॉर्मस जाएंगे, ऐसे कि मतलब कि सुपीरियर टू पायरीफॉर्मस और वी कैन से पायरीफॉर्मस के पोस्टीरियरली ये अब जाएंगे टू है ना गिव ब्रांच टू ग्लूटस मैक्सिमस मसल, क्योंकि हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटल नर्व जो है वो ग्लूटस मैक्सिमस को देती है। उसके बाद इसके लेटरल हमारे पास आती है शियाटिक नर्व, ग्रेट शियाटिक नर्व जो है वो हमारे पास आती है उसके ऊपर जो होती है, इसके ऊपर हमारे पास होती है ऊपर और वी कैन से सम हाउ लेटरल टू है ना
वो शियाटिक नर्व वो होती है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। याद रखना पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो खुद डीप नर्व है, और इसकी जो हमारे पास फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं वो कुटेनियस है। ये एक मिसनोमर है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है खुद डीप ब्रांच है, ये खुद भी सुपरफिशियल बनेगी लेकिन थाई में नहीं बनती, ये खुद बनेगी जब ये पॉपलिटल फोस्से की तरफ जाएगी ना, तब जाके ये हमारे पास सुपरफिशियल बन जाएगी। लेकिन इसकी ब्रांचेस जो है वो ऊपर से पूरे थाई की जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसको यही कुटेनियस सप्लाई कर रही होती है, तो इसको इस वजह से हम कहते हैं पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। अच्छा, इसकी भी दो ब्रांचेस निकलती हैं, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई इसकी, अब जो ग्लूटल रीजन पर इसकी जो है ना सुपरफिशियल ब्रांचेस निकलती हैं वो थी हमारे पास इन्फीरियर क्लूनल नर्व, जो मैंने आपको कुटेनियस नर्व का ना ऑडियो भेजा था उसके अंदर मैंने बताया था कि इन्फीरियर क्लूनल नर्व कौन सी होती हैं, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई की ब्रांचेस होती हैं, जो कि हमारे पास लोअर मीडियल बटॉक्स को सराउंड कर रही होती हैं। ठीक है, वो जो इसकी ब्रांचेस थी वो इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस थी। अच्छा, इसकी एक कुटेनियस ब्रांच भी है जो कि हमारे पास क्या करेगी, पोस्टीरियर टू सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, पोस्टीरियर टू सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट से जाएगी और वो सराउंड ना मतलब नर्व सप्लाई देगी टुवर्ड्स द पेरिनियम मसल्स को। ठीक है, ये हमारे पास ना पोस्टीरियर टू सेक्रो ट्यूबरस जाएगी, ठीक है, क्योंकि सुपरफिशियल है ये ब्रांच भी इसकी, तो ये हमारे पास है ना पोस्टीरियर टू सेक्रो ट्यूबरस जाएगी, वरना जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर जिसको पेरिनियम में जाना है वो एंटीरियर टू सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, बाकी शियाटिक नर्व की जो कोर्स वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑडियो में आपको